मम्मा आपको पता है इस गार्डन में क्या हुआ? एक स्वीपर अंकल है ना, वहां पे वो बहुत ज्यादा थक गए थे, तो वो वहां पे बेंच पे आके बैठ गए। फिर है ना वहां पे उतने में ही वहां पे एक अंकल आ गए, तो फिर उन्होंने ना उन स्वीपर अंकल को कहा कि यहाँ पे तुम नहीं बैठ सकते, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। समरा अंकल ने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है हम सभी लोग बराबर है, भारत में रहने वाले सभी लोग बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सभी कास्ट बराबर है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। ओके मम्मा। बाजी बाजी इन छुट्टियों में ना आप लोग शिमला चलेंगे? नहीं ब्राइम, हम लोग शिमला नहीं जा सकते क्योंकि अपन तो राजस्थान में रहते हैं। मेरा दोस्त भी तो गया था। नहीं ब्राइम, अपन लोग नहीं जा सकते, अपन लोग राजस्थान के लोग हैं। चलो मम्मा से पूछते हैं। हाँ चलो। मम्मा पापा, मम्मा इब्राहिम कह रहा है कि इस बार अपन लोग हॉलीडे में शिमला जाएंगे, लेकिन अपन लोग शिमला कैसे जा सकते हैं क्योंकि अपन तो राजस्थान में रहते हैं। क्यों नहीं जा सकते समरा? हम सभी इंडिया में रहने वाले लोग, सभी लोग कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, हम सब फ्री हैं, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम। ओके मम्मा, तो इस बार हॉलीडे में शिमला चलेंगे ना? ये ले, आज ये सारी अलमारियां ढंग से साफ कर देना, सब सही से जमा देना, वरना आज ही तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है साहब। आप बच्चे से काम नहीं करा सकते। क्यों? बिकॉज ये एक फंडामेंटल राइट है कि आप 14 साल से छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते, ये राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है और ये चाइल्ड लेबर केस में आता है। मैम आज तो मैंने अपने सारे आंसर्स करेक्ट कर रहे हैं, आप चेक कर लो। मैम अजान हो गई, मैं नमाज पढ़ी हूँ। ठीक है समरा, तुम नमाज पढ़ी हो, मैं भी अपनी पूजा कर आती हूँ। तो यही तो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन, और यही हमारे भारत की खासियत है कि सभी लोग अपने अपने धर्मों की पालना कर सकते हैं। बाजी आप कहाँ जा रही हो? ट्यूशन। आपको तो वैसे भी पढ़े हो कि प्रोटीन पकानी है, आप पढ़ के क्या करोगी? क्यों, क्या लड़कियों को अधिकार नहीं है पढ़ने का? वो छोटा हो या बड़ा हो, वो लड़की हो या लड़का हो, भारत में रहने वाले सभी सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो पढ़ें। और क्या तुम्हें ये बात पता है कि हम लोग हमारी संस्कृति को सबके साथ, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो। ये है हमारा एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। अगर मम्मा कोई इन फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानता है, जैसे हम स्वीपर अंकल के साथ हुआ, तो फिर वो क्या करेंगे? तो समरा उसके लिए भी एक राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर गवर्नमेंट या इंडिविजुअल इन राइट्स को फॉलो नहीं करता है, तो सामने वाला पर्सन कोर्ट में उनके खिलाफ दावा पेश कर सकता है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जैसे ही हमारे नए वीडियोस अपलोड होए आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।